वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रहीमा और हमारी आज की कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दरिया के किनारे किसी खूबसूरत जंगल में एक कछुआ रहता था। वो हर सुबह सैर पर जाता था और ठंडी ताज़ा हवा का लुत्फ उठाता था। सैर के दौरान इसे अक्सर इसका शरारती दोस्त खरगोश मिल जाता था। खरगोश को तेज दौड़ने और छलांगे लगाने का बहुत शौक था। कछुए की हल्की रफ्तार देखकर खरगोश उसका मजाक उड़ाता था। तुम कितना आहिस्ता चलते हो, मुझे देखो मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। कछुआ खरगोश की बातों का जवाब नहीं देता था। एक दिन जब खरगोश ने कछुए को बहुत तंग किया तो कछुए ने जवाब दिया, भाई खरगोश, गुरूर करना अच्छी बात नहीं। अगर हम दौड़ लगाएं तो क्या पता मैं तुम्हें हरा दूं। खरगोश ये सुनकर बहुत हंसा और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत तेज दौड़ता हूँ, दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। आ जाओ आज दौड़ लगा ही लें। हार जीत का फैसला करने के लिए खरगोश ने अपने दोस्त चूहे को बुलाया। चूहे ने कहा, जो पहले दरिया तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। चलो जी अब दौड़ शुरू हुई। 1, 2, 3 खरगोश बहुत तेज दौड़ता हुआ आगे निकल गया। और कछुआ अपनी हल्की हल्की रफ्तार में चलता रहा। खरगोश जब काफी आगे निकल गया तो सोचा, क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं, दौड़ तो मैंने ही जीती है। और दूसरी तरफ कछुआ हल्के हल्के चलता रहा और दौड़ जीत गया। खूब तालियों के शोर में कछुए का इस्तकबाल किया गया, जिससे खरगोश की आंख खुल गई। खरगोश दौड़ता हुआ कछुए के पास गया और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों का मजाक हमें कभी नहीं उड़ाना चाहिए और खुद पर भी हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।